उम्मीद करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे जैसे कि मैं हूँ। मुझे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम सफाई की आजकल हो रही है क्योंकि मेड भी अवेलेबल नहीं है और उसके बेटे की शादी, तो वो वहाँ पे बिजी है। तो क्लिनजिंग और क्लीनिंग जो है वो तो डेली बेसिस पे होती ही है, लेकिन किचन और बाथरूम दो ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो महीने में एक दफ़ा ज़रूर डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत है, जस्ट लाइक आवर स्किन। और अगर घर में होम शेफ हो जैसे कि ये, जिनको हर एक घंटे के बाद भूख लगती है, कभी सॉसेजेस बनाने आ जाती हैं, कभी सैंडविचेस बनाने आ जाती हैं, कभी पास्ता बनाती है और कभी नूडल, तो कुछ ना कुछ स्टेन जो है टाइल्स पे और कुकिंग रेंज पे छोड़ के ही जाती हैं, तोहफा मेरे लिए। लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि एटलीस्ट इसने अपने लिए कुछ पका तो लिया। तो इन स्ट्रेन्स को और जितने भी स्पॉट्स लग जाते हैं टाइल पे, मार्बल पे, वुड पे, कैबिनेट्स में, तो उनको मैं कैसे डेली साफ करती हूँ, डेली नहीं मंथ, क्या कहना चाहिए, मंथ के लिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। तो आज आपके साथ मिलकर क्लीनिंग करते हैं, कुछ एक्सपेंसिव स्टफ नहीं होगा। या तो मैं हार्पिक का इस्तेमाल करूँगी टाइल्स में, और उसके अलावा रेड जो हमारे पास एसिड मिलता है उसको मैं डाइल्यूट करूंगी उसमें पानी डाल के, और उसको स्प्रे करूंगी टाइल्स पे, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वर्क। लेट्स गो। तो जनाब ये देखिए, ये टाइल्स की इस वक्त हालत है, यानी कि बाउंड्री लाइंस में जो है वो ब्लैकिश, ब्लैक नहीं कहेंगे लेकिन डार्क ब्राउन सा हो रहा है। और इसके लिए मैंने फिर ये एसिड तैयार करके रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, बिल्कुल एसिड फॉर्म में नहीं करूंगी क्योंकि फिर जो है वाइट सी जो है एक लेयर पड़ जाती है इसके ऊपर। तो तमाम मैंने एक्सेसरीज जो वॉल पे थी वो उनको हटाया और ये अच्छे से स्प्रे किया है इस पर। अब ये हैंडल ब्रश ऑलमोस्ट हर घर में ही होता होगा, अगर नहीं है तो कोशिश करें कि डायरेक्ट अपने हैंड्स को ना एक्सपोज करें इसके साथ, क्योंकि ये एसिड है। और इसको देखें, मैंने ब्रश और उसके बाद इस फन से जो है अच्छी तरह इन टाइल्स को वाइप किया। डेली बेसिस पे वैसे ही सॉफ्ट किसी भी क्लॉथ के साथ हैं, हैंकी के साथ वाइप होता है, लेकिन अब महीने में एक बार इसको कर लेना चाहिए। ये मेरे पास एक बहुत अच्छा क्लिनज़र है जिसको मैं थोड़ी सी मिकदार में ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने दूसरा कोट किया है, यानी पहले मैंने एसिड से साफ़ किया और अब इस क्लिनज़र से मैंने इन टाइल्स को अगेन वाइप करने की कोशिश की। अच्छे से वाइप करके मैंने गीले स्पंज से इनको साफ़ किया और एट दी एंड बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े से, ड्राई कपड़े से इसको वाइप कर लिया। वाइप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ना हो कि जो चीज़ हमने क्लियर की है, साफ़ की है और उतारी है टाइल से, तो वो ये ना हो दूसरी जगह पे जाके चिपक जाए। सो इट्स डन, और वो चीज़ खुद बता रही है अपने आप के मुझे साफ़ किया गया है। सेम गोज विद द कैबिनेट्स, कैबिनेट्स मैंने क्लियर किए, उनको वाइप किया, बॉटल्स वगैरह तमाम चीज़ें हटा के। कुछ अर्से पहले मैंने इनको पॉलिश किया था, जो पॉलिश मैंने आपको बनानी बताई थी उससे पॉलिश किया। तमाम एक्सेसरीज हटा के मैंने इनको अच्छे से वाइप किया। यही पावरफुल लिक्विड मैंने कुकिंग रेंज के ऊपर डाल के, तो जितने भी जलने के या ब्राउन उसके ऊपर निशान पड़ चुके हैं उसको अच्छे से क्लियर करके, तार से लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस स्कॉच ब्राइट से करके उसके बाद मैंने साफ़ करके दोबारा उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा देती हूँ ताकि क्लियर भी रहे और जलने के निशान ना पड़े हैं, कुछ गिरे तो बर्नर एटलीस्ट सेव रहे। Thank you.
सेम गोज विद द फ्लोर टाइल्स. ये देखें फ्लोर टाइल्स की ये जो लाइंस होती हैं, यहाँ पे जो है कचरा जमा हो जाता है, तो इसके लिए मैंने हारपिक को इस्तेमाल किया. हारपिक का ये देखें बिल्कुल इन लाइंस पे ही इस्तेमाल करूँगी, पूरे उस पे नहीं करूँगी ये टाइल्स पे, क्योंकि बाकी टाइल्स साफ़ हैं. तो इस पे ये देखें थोड़ी देर में ही ये जितनी मैल कुचाल है वो फूल के बाहर आने लगी है. और अब इसको मैं ब्रश से, टूथब्रश ले लें, ये वही ब्रश जो मैंने हैंडल ब्रश लिया था, उसे साफ़ करूँगी. किचन बड़ा है फ्लोर इसका, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसमें. और ये देखें ये अच्छे से साफ़ हो गया. अब इसको हम वाइप करेंगे. दिस इज द फाइनल लुक. इट्स शाइनिंग, इट्स क्लीन, इट्स हाइजीनिक. और सफाई करके खुद भी बड़ी अच्छी खुशी फील होती है, एक अच्छा सा एहसास होता है कि अच्छा सा क्लीन हो गया. और अब काम करने का भी मज़ा आता है. वैसे तो क्लीन करके ही काम का स्टार्ट किया जाता है, लेकिन डीप क्लींजिंग हो जाए ना तो हार्ट भी जो है वो डीपली हैप्पी रहता है. सो तो ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का ब्लॉग जो कि मैंने किचन के नाम किया. टिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, बाय बाय.